अस्सलाम वालेकुम। आज मस्जिद अली की इब्तिदा हुई है। ये 10 साल की मेहनत के बाद आज मस्जिद हमारी मुकम्मल हुई है। जो जो हजरात मस्जिद के लिए मेहनत किए हैं, जो काम किए हैं और मस्जिद के लिए जो चंदा दिए हैं, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बड़े मुश्किलात के बाद में आज हमारी मस्जिद मुकम्मल हुई है। ये सभी आप लोगों की मेहरबानी है और आपके ताउन के वजह से हमारी मस्जिद मुकम्मल हुई है। मैं पूरे बेलगाम के और जो अतराफ के जितने भी लोग हैं, हमें जो सपोर्ट किए हैं, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। इस मस्जिद में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले हमारे बशीर भाई और अशरफ भाई, इस मोहल्ले के नया होते हुए भी अशरफ भाई जो है रुकमन नगर में रहते हैं और बशीर भाई आज़म नगर में रहते हैं। वहाँ से यहाँ आकर और अपने कामकाज को छोड़कर जो मेहनत की है, उनका तो मैं दिल के पूर गहराइयों से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे अमन नगर वालों के लिए इतनी मेहनत करके मस्जिद बनाने का उन्होंने जो हमें सपोर्ट किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज जो अली मस्जिद का पूरा काम मुकम्मल हुआ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इसमें काम किया है, एजाज़ भाई ने बहुत अपना वक्त निकाल कर अपनी हर चीज़ से जिस्मानी और ये जहनी ताकत पूरी लगाकर इसमें काम किया है। फिज़िकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से इसमें मेहनत लगाई है और इस काम को मुकम्मल किया है। आज से नहीं, पूरे 10 साल से इस मस्जिद की जो रिस्पांसिबिलिटी इन्होंने उठाई थी, आज वो पूरी इन्होंने मुकम्मल तौर से की है। और इनके साथी भी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं, न्यू स्टार ग्रुप NSD पूरा ग्रुप है इनके साथ, जैसे कि आसिफ भाई है, इमरान भाई है, जावेद भाई है और मोहिद्दीन है। ये सभी इनके साथ पूरी मेहनत से काम करके इस काम को आज पूरा किए हैं, तो मैं इनका तहे दिल से एजाज़ भाई का और इनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बारगाह में बेलगाम वालों की तरफ से, अमन नगर वालों की तरफ से, मस्जिद अली की तरफ से गुलगोशी पेश की जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके बाद हमारे इंशाअल्लाह सिराज साहब किबला खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन का बरकत तुम्हारा दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मस्जिद मुकम्मल होकर हम नमाज पढ़ना शुरू किए हैं। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। तो मैं हमारे बेटे अरवान और आफरीन से गुजारिश करता हूँ कि वह आए, उनकी गुलपोशी करें। सबसे पहले बशीर की गुलपोशी की जाएगी हमारे अमर नगर मुस्लिम जमात की तरफ से। लतीफ खान पठान
साहब की वालिदा में भी इंशाल्लाह गुल मुन्ना शेख साहब से गुजारिश है कि करीब आए आपकी भी खिदमत में इंशाल्लाह गुलाना पेश करें। हाँ मुजम्मिल भाई से अर्ज है कि आप भी तशरीफ लाएं। मुजम्मिल भाई मुल्ला जी नूर मस्जिद के सदर साहब हाशम पीर साहब तशरीफ लाए हैं, आप भी तशरीफ लाएं। दादा मियां सदी बराए करम में जब नाम आपको अर्ज करो आप जल्दी जल्दी आ जाए, वक्त तो बहुत कम है। दादा मियां सदी साहब आपसे अर्ज है कि आप मधुबनी साहब है कि वो भी करीब तशरीफ लाए। माशाल्लाह जी जिम्मेदारा से हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहू आलिया बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं ये आप ही ज़हन में रखें, बड़ी अच्छी बात आपने इरशाद फरमाया। आप जरा आप अपने माथे की आंखों से देखें। आफरीन भाई, इन्होंने माशाल्लाह काफी कोशिशें की, इसके लिए अपना वक्त दिया और माशाल्लाह जब जब भी जरूरत पड़ी आकर माशाल्लाह खड़े रहे। इनकी भी हौसला अफजाई के लिए आफरीन भाई अखलाक भाई इनको भी इंशाल्लाह जवजल गुल पेश किया जाएगा। माशाल्लाह शकील भाई इधर भी शकील भाई से बुला सलू ये बड़ा अनगोल मस्जिद के जमादार आलिम भाई से अर्ज है कि आप करीब तशरीफ लाएं। आप मुसल्लियों में से एक मुसल्ली हैं, अल्लाह पाक की उम्र में नेकियों के साथ बरकत हमारी यूं समझे कि पहचान है। महबूब भाई रहीम साहब की गुलकोशी हमारे अशरफ भाई करेंगे इंशाअल्लाह। बागवान साहब की गुलकोशी बरगाह में पेश करेंगे हम आचार्य पैरवी ना करे तो फिर अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता। तो बंदा अच्छा मुसलमान बन जाए